तो जी आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ घर पे खैरियत से बढ़िया से होंगे। तो जी हाँ, वृंदावन की यात्रा करने के बाद बहुत ही पवित्र और अद्भुत एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। तो वो हम एक्सपीरियंस करते हुए आज हम पहुँचे हैं आगरा। तो आगरा में हम सबसे पहले आपको लेके आए हैं ताजमहल देखने के लिए। ताजमहल देखेंगे, फोर्ट देखेंगे, जो दो चार मेन अट्रैक्शंस हैं, मीना बाज़ार भी आपको साथ में घुमाएंगे इसी वीडियो में। तो ताजमहल की एंट्री के बारे में पहले बता देता हूँ आपको कि फ्राइडे वाले दिन ताजमहल बंद रहता है, तो फ्राइडे को आप मत आइएगा। कहीं को पता होगा, कहीं को नहीं पता होगा तो बता रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी बात कि ताजमहल आने से पहले आप ऑनलाइन टिकट अगर आप बुक करवा लेते हो, उसका मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा। वो कैसे कैसे, गूगल पे सिंपली लिखना है ताजमहल टिकट बुकिंग, और जो पहला लिंक आएगा उस पर जाकर आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी है, वो आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा। नहीं पता चला तो मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाल रखी है, शॉर्ट्स में आप देख सकते हो कि हाँ कैसे कैसे बुकिंग करनी है ताजमहल की टिकट की। तो वो टिकट आप करवा के अगर आप अंदर भी जाना चाहते हो, बल्कि ताजमहल के अंदर जो मोन्यूमेंट सब बना हो उसके अंदर जाना चाहते हो, तो 245 की आपको टिकट पड़ेगी ऑनलाइन जब आप बुक करवाते हो। तो वो आप बुक करवाओ और मज़े से ताजमहल घूमो। और यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट गाइड अगर आपको मिलेंगे, आप इंडियन हो लोकल हो, आपको टूरिस्ट गाइड की इतनी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप अकेले जाओ और आराम से ताजमहल को घूमो, आपको भी दिखाते हैं ताजमहल के अलग अलग नज़ारे। तो जी हाँ, सिक्योरिटी चेक इन करके हम अंदर आ चुके हैं ताजमहल के। हर चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी किसी भी तरीके का नशा पदार्थ अंदर नहीं आने देंगे, और जो ब्लॉगर्स वगैरह हैं जो कैमराज वगैरह लेके आते हैं उनका ट्राइपॉड नहीं अंदर आने देंगे, कैमराज अलाउड हैं। और अब देखिए ताजमहल को। एक चीज़ और जो मेरे को भी पता चली, आप वीडियोग्राफी अंदर कर सकते हो अपने कैमरा से, लेकिन आपको 25 रुपीज़ की एक पर्ची कटवानी पड़ेगी बिल्कुल एंट्री करते सारी, ये भव्य नज़ारा देखने के लिए, अगर आप कैमरा से शूट करना चाहते हो तो। मोबाइल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप ताजमहल देखने के लिए आ रहे हो और आप पैदल नहीं आ सकते हो कार को पार्किंग में लगा के, तो ऐसी सी गोल्ड बैंस मिलेगी आपको 20 रुपये की टिकट पर, और आपको लेके जाएंगी आगरा के ताजमहल के जो मेन द्वार है, जो मेन गेट। तो जी हाँ, मैं हूँ अभी आगरा फोर्ट, आगरा रेड फोर्ट। हिंदुस्तान में दो ही फोर्ट हैं लाल किले, मतलब दो फोर्ट तो बहुत हैं लेकिन लाल किले दो ही हैं, एक आगरा रेड फोर्ट और एक दिल्ली का रेड फोर्ट। तो ये आप देख रहे हो मेरे, ये है आगरा का रेड फोर्ट, ये है दूसरी अट्रैक्शन ताजमहल के बाद। इसको 1504 से 1526 के बीच में लोधी डायनेस्टी ने, इसके ओनर हैं जिन्होंने इसको बनाया था, और उसके बाद उनकी आगे आगे जो उनकी पीढ़ियाँ थी वो चलती रही हैं और वही इनके ओनर कहलाते हैं आज की डेट में। अब ये गवर्नमेंट के अंडर है, और ये रहा आगरा का रेड फोर्ट। तो जी हाँ, अगले अट्रैक्शन हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे फोर्ट बने हुए हैं। तो मेनली जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है सिकंदरा फोर्ट, जो कि राजा अकबर जी की याद में बनाया गया, जिनकी मुजलम मतलब कि उनकी जो समाधि है वो अंदर है, जो कि उनके बेटे प्रिंस सलीम, जिनको आप जहांगीर जी के नाम से जानते हो, उन्होंने उनकी डेथ के बाद इसको 1604 के बाद पूरा कंप्लीट किया था, 1613 ईस्वी तक पूरा कंप्लीट कर दिया था। भाई वो मोर देखो, अंदर भी बहुत सारे मोर घूम रहे हैं, पक्षी घूम रहे हैं। तो जहांगीर जी ने पूरा करवाया था अपने पिता के लिए, उसके बाद उनके जो पोते वगैरह आगे आए, औरंगजेब वगैरह, सभी ये उन्हीं की पीढ़ियाँ यहाँ पे चलती आई हैं अभी तक। भाई जो खूबसूरती है ना इस जगह की, वो क्या बयान करूँ, बहुत ही खूबसूरत किले बना रखे हैं। और मैं अब ज़्यादातर किले क्या घुमाऊँगा, और यहाँ पे एक मीना बाज़ार भी आगरा में, सो ये इसको हम लास्ट अट्रैक्शंस में रखेंगे अपनी। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर और बाकी सारे फोर्ट्स ही हैं, और अभी शाम भी हो चुकी है, और हम फोर्ट की जो लिस्ट है वो मैं आपको डाल दूँगा कि कौन कौन से फोर्ट हैं यहाँ पर मेनली। तो ये था जो मेरा दिखाने का मन था पर्सनली, सिकंदरा फोर्ट, मुझे था कि इसके लिए मैं लेट ना हो जाऊं। आप देख सकते हो कि क्या खूबसूरती है इस गेट की, इस जगह की, और वही बादल भी गरज रहे हैं बहुत ज़्यादा।
और आप सब लोगों के लिए एक बात कि कैमराज वगैरह अलाउड हैं, हैंडी कैम अलाउड नहीं है यहाँ पे, और ट्राईपोड यहाँ पे किसी भी फोर्ट के अंदर अलाउड नहीं है। तो ट्राईपोड को आप निकाल के आएँ, गोप्रो से आप शूट कर सकते हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मकबरे में तो शायद कैमराज अलाउड नहीं होंगे, तो हम तो देखने जा रहे हैं। आप भी आएँ तो ये जगह ज़रूर देखें। और यहाँ पर मीना बाज़ार पहले था, मैं 10 साल पहले आया था आगरा में, तो मीना बाज़ार पर्टिकुलर एक जगह थी, लेकिन अब बहुत सारे मीना बाज़ार हो चुके हैं यहाँ पे। और कोई सी मीना बाज़ार घूम लो, छोटे छोटे से बाज़ारों को मीना बाज़ार नाम दे दिया गया हुआ है। और यहाँ पे और कोई अट्रैक्शंस नहीं है, तो सिर्फ फोर्ट्स और बाज़ार और इनके अलावा ताजमहल के अलावा। सो आप जब भी आएँ तो ये चीज़ें ज़रूर घूमें। मैं इसकी हिस्ट्री यहाँ पर आपको थोड़ी सी डाल देता हूँ, एक फ़ोटो में डाल दूँगा, आप पॉज करके देख सकते हो ये हिस्ट्री को। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बढ़िया लगा होगा आगरा का ये दृश्य, और मेरे बताने का तरीका भी हो सकता है कि अच्छा लगा हो। सो इंग्लिश में भी अगर आप चाहते हो तो इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा होगा, तो वो भी मैं डाल देता हूँ, आप उसको भी पॉज करके देख सकते हो। ये था आगरा का टूरिस्ट अट्रैक्शंस। जो बाकी कुछ अट्रैक्शंस रह गई उनकी मैं पिक्चर साइड में डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो, घूम सकते हो इन जगहों को जब भी आओ। लेकिन सुबह आओ और शाम तक आप पूरा आगरा घूम सकते हो, लेकिन आपको रील्स वगैरह के लिए थोड़ा कम टाइम मिलेगा। अगर पूरा घूमना नहीं तो आपको 2 दिन भी लग सकते हैं सारे फोर्ट घूमने में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बात करते हैं नई जगह की नए लोगों के साथ। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, और प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक सब जरूर कीजिएगा। मैं आपका सुमित, मिलते हैं।